आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। Oh my God! अभी भूत गया पता है, भयंकर लहर रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं SGN News, मैं हूं सैयद तहसीन अली। खबर कटिहार जिले से है, जहां शहर के बीचों बीच विनोदपुर स्थित पावर हाउस के ग्रेड में अचानक से आग लग गई। आग की लपटें धू धू कर आसमान छूने लगी। आग इतनी भयावह थी कि कड़ी मशक्कत के बाद बड़ी संख्या में दमकलों को आना पड़ा और घंटों के बाद आग को बुझाया गया। आग के कारणों का पता नहीं लग पाया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग लगने के बाद जो डंप किया हुआ ड्रम में तेल था, उन तेल में आग पकड़ी और आग बेकाबू हो गई। इस आग लगी की घटना में न केवल ड्रम किए गए तेल जले हैं, बल्कि दर्जनों ट्रांसफार्मर भी वहां नष्ट हो गए हैं। जिला पदाधिकारी खुद से वहां पहुंचे और मामले की जांच की है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि रहायशी इलाके में बने इस रिपेयरिंग सेंटर का जो वर्कशॉप है पावर ग्रिड का, उसे हटाने को लेकर याचिका भी विचाराधीन है। विभाग से इस बारे में बात भी की जाएगी और फिलहाल विद्युत आपूर्ति जो है जिले के शहरी क्षेत्र में ठप पड़ी हुई है। ये प्रिकॉशन उठाएगा, ये हम लोग जैसा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ कबाड़ रखे हुए हैं बिजली विभाग के और कुछ तेल भी है, उसमें मेरे ख्याल से शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग काफ़ी भयानक थी। SDO साहब सबसे पहले यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, हम लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रश की हैं। ये प्रिकॉशन उठाएगा, ये हम लोग जैसा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ कबाड़ रखे हुए हैं बिजली विभाग के और कुछ तेल भी है, उसमें मेरे ख्याल से शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग काफ़ी भयानक थी। SDO साहब सबसे पहले यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, हम लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रश की हैं। एरिया कंजस्टेड है, इसलिए पहले छोटी गाड़ियाँ आई, फिर बड़ी गाड़ियाँ भी आई। काफ़ी मतलब जो भी मैं देख रहा हूँ, मेरे आने के बाद तो स्थिति ऑलमोस्ट सुधरी हुई थी, बट जैसा लोग बता रहे काफ़ी लंबी लपटें थी और चूँकि तेल है तो तेल में आग लगती है तो ज़्यादा गर्म भी होता है और इट इज़ मोर डेंजरस ऑल्सो। तो भगवान की कृपा से आग कंट्रोल हो गया, कोई बहुत मेजर नुकसान नहीं हुआ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को मैंने अभी इंस्ट्रक्ट किया है कि जैसे ये पानी वाला काम ख़त्म होगा वो पहले तो बिजली रिस्टोर करवाएंगे, उसके जितनी ये जंगल झाड़ हो रखी है सारी सूखी है, ये इट इज़ वेरी डेंजरस। अभी मौसम भी आग का ही है तो उसको तुरंत 2-3 दिनों के अंदर इसकी सफाई कंप्लीट करवाएंगे और मैंने SDO साहब को बोला है कि 3 दिन के बाद वो आके चेक करेंगे, यहाँ एक भी सूखी जंगल झाड़ नहीं होनी चाहिए। सर, जहाँ तक इस लोकेशन का प्रश्न है, लोकल लोगों ने मुझे बताया, मेरे नॉलेज में भी है कि ये लोकेशन शिफ्ट होने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी शायद केस दर्ज है, तो मैं बिजली विभाग के आला अधिकारियों से बात करके जितनी जल्दी हो सके इस साइट को यहाँ से खाली करवाने के लिए कोशिश करूँगा। कारण क्या है सर? ये जैसा मुझे लग रहा है शॉर्ट सर्किट है, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं यहाँ से आग गिरी है और जंगल की सूखी पत्तियाँ है उसमें लगा होगा, संभावना तो यही है। सर, घनी क्षेत्र का ये आबादी है, सर आबादी का क्षेत्र है और आए दिनों सर मांग होती रहती है मोहल्लेवासियों की कि यहाँ से ट्रांसफार्मर। हाँ, वही मैंने कहा कि ये जो डंप यार्ड है यहाँ, जैसा मुझे दिख रहा है आप लोगों को भी दिख रहा है कि मोस्टली अनयूज्ड पुराने ट्रांसफार्मर्स ही पड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बिजली डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं दिल्ली पटना में हैं, उनसे बात करके और इसको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से शिफ्ट करा के यहाँ खाली कराने के लिए मैं अभी जा करके तुरंत बात